हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसीए एंड पीजीडीसीए के छात्रों के लिए, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए आज समझाएंगे हम सिलेबस। और कमेंट बॉक्स में हमने भी पिछली अभी कुछ मैंने जब एग्ज़ाम फॉर्म आया था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैसेजेज आए थे और कुछ हमारे दूसरे सोशल मीडिया पर आए थे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आए थे, तो जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें कमेंट सजेस्ट किए गए थे। तो हमने उसमें से तीन कमेंट आपके लिए हैं जो कि मेन ज़्यादातर बच्चों ने पूछे थे, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, मुख्य टॉपिक कौन से हैं और सिलेबस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, आप समझा दीजिए। तो सब्जेक्ट की पीसी पैकेज है फर्स्ट सेम वालों का, लेकिन इसमें डीसीए पीजीडीसीए दोनों के लिए, डीसीए पीजीडीसीए दोनों के लिए, क्योंकि जो पीजीडीसीए का सिलेबस है पीसी पैकेज का, वो डीसीए से एक कदम आगे है। मतलब कहने का मतलब कि 95% सेम है, बस लास्ट में एक पैराग्राफ जोड़कर 10 से 12 टॉपिक एक्स्ट्रा कर दिया गया हर एक यूनिट में। तो आपको परेशान नहीं होना, दोनों बच्चे आपको देखना है, डीसीए और पीजीडीसीए दोनों वाले। ठीक है, दोनों को एक साथ मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। मेन टॉपिक को हम लोग उसमें टिक कर लेंगे, कौन कौन से सवाल बनते हैं। ठीक है, और आपको वही सब टिक कर लेना है और उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना है, पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 साल से पेपर दिला रहे हैं और मैंने खुद दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम अब लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग सिलेबस देख पा रहे हैं, ये सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए है, डीसीए पीजीडीसीए दोनों के लिए है। ठीक है, समझना कहाँ पर एक्स्ट्रा है पीजीडीसीए में, कहाँ पर डीसीए वालों का है, वो मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मेनली तीन ही चीज़ों पे जोर दिया गया है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे। तो हम लोग तीनों को समझते हैं। तो पहली यूनिट आपकी जो है, ठीक है, और आपको पता है हर यूनिट से आपके दो दो सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे आपके आपके टोटल वही यूनिट 5 होती है। ठीक है, कितने होती हैं, टोटल 5 यूनिट होती है। तो हर एक यूनिट से एक ऊपर और एक अथवा आता है, और इसमें भी एक दो बने रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो जिसमें से आपके टोटल 4-5 क्वेश्चन एक यूनिट से बन जाते हैं। तो जिसमें से जो आपके आते रहते, अथवा आता है तो अथवा कर सकते हैं, ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर सकते हैं। हर यूनिट में ऐसे ही होता है। ठीक है, हर यूनिट से दो क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर और एक अथवा में आता है, यानी एक क्वेश्चन आपको करना होता है, उसमें भी आवासा करके होते हैं कई सारे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले आपसे ये दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिलेबस में है, वो विंडोज़ 8.1 है। ये आपका विंडोज 11 नहीं है, ना विंडोज़ 10 है, ना विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8.1 है। ठीक है ना, 8 भी नहीं, 8.1 जो वर्जन आया था विंडोज़ का, वो वाला आपके सिलेबस में अभी पीजीडीसीए में माखनलाल यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरव्यू बताना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है क्या, इसके बारे में। ठीक है, जो कि इसकी फीचर यानी विशेषताएं आया करती थी, इससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इसकी विशेषताएं ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, विंडोज 8.1 की विशेषता 7-8 पॉइंट आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो पहला हमने बताया आपको इससे क्या पढ़ना है, फीचर ज़रूर पढ़ना है। बेसिक ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन यानी कि सभी बच्चों से आना चाहिए। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कम से कम पूछा जाता है। लॉग इन कैसे किया जाता है कंप्यूटर में, लॉग ऑफ कैसे किया जाता है, हिवन नेट कैसे किया जाता है, शट डाउन कैसे किया जाता है, ये कभी कभी ना टिप्पणी पे आ जाता है, निम्न पे टिप्पणी लिखिए, 4 आपको दे दिया जाएगा। जैसे शट डाउन है, और आपके क्या है भाई, स्लीप है, स्लीप मोड में कैसे करते हैं, लॉग ऑफ लॉग इन कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर कैसे करते हैं, तो ये आपसे वहाँ पर 3-4 टिप्पणी करके दे देता है और आपको लिखना होता था। इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए, बेसिक चीज़ें भी इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अगला आता है टॉपिक पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना, डेस्कटॉप यानी स्क्रीन को, क्या स्क्रीन को, आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको कैसे पर्सनलाइज करेंगे, मतलब कलर कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे टास्क बार जो होता है उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपके आइकॉन आने हैं वो कितने छोटे बड़े आने हैं, किस कलर में आने हैं, फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट का कलर क्या होगा, एक्शन कैसे होगा, कितने रेजुलेशन होगा, मतलब थीम क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये सब चीज़ कहलाता है डेस्कटॉप आपका पर्सनलाइज करना है। उसमें जैसे बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का या फिर बदलने का या फिर लगाने के लिए क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया पूछी जाती है आपसे। ठीक है,
और फिर अगला स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आप लोग देखते होंगे कभी कंप्यूटर कैफे में जाते होंगे, तो जब ये स्क्रीन क्या होती स्लिप कर जाती, काफ़ी देर तक हम सेट किए होते हैं कि इतने अगर देर 10 से 15 मिनट अगर हम उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, स्क्रीन बंद हो जानी चाहिए। और उसमें एक ऐसे डांस करते हुए एक नाम आया करता है जो कि कंप्यूटर चलाने वाले का हो सकता है, संस्था का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो कहलाता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, थीम से क्या रखना है उसकी, है ना, बैकग्राउंड की जैसे थीम जो होती है कलर वगैरह फोटो वगैरह तो कैसे रखनी है। सेटिंग डेट, डेट को कैसे सेट करना है, यहाँ पे डेट आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में रहता है, सेटिंग डेट कैसे सेट करना है, एंड टाइम, टाइम कैसे सेट करना है, इस पर क्वेश्चन आया करते हैं। टास्क बार बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फाइल्स एंड फोल्डर, ये बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान रखना है, फाइल्स एंड फोल्डर बहुत मोस्ट है। ये आपसे ज़रूर आता है कि फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, है ना, तो कैसे बनाते हैं फाइल के अंदर फोल्डर कैसे बनाएंगे, तो सारी चीज़ें होती है, एक फोल्डर एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे डाटा ले जाएंगे, ये प्रोसेस पूछी जाती है। क्रिएट करना, फाइल फोल्डर को क्रिएट करना, कॉपी करना, डाटा को रिमूव करना हटाना, मूविंग, मूविंग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, डिलीट करना फोल्डर को और फाइल को, ये कैसे होता है। क्रिएट आई यूजिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट ये कम आता है आपका, लेकिन ठीक है मोस्ट है पर वेरी मोस्ट नहीं है। रिसाइकिल बिन वेरी मोस्ट है, ये आने के चांसेस रहते हैं, और फाइल और फोल्डर से तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये ध्यान रखना आप। अगला आता है ये पहला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ DCA PGDCA से दोनों के लिए सेम है, दूसरा भी सेम है, हम आपको बताते हैं। एक्सेसरीज, एक्सेसरीज क्या होती है, यानी कि जिससे कंप्यूटर मिलकर बना होता है, जो कंप्यूटर आप खरीदते हो तो उसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जब डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके साथ वो चीज़ें आती हैं, आपको अलग से डाउनलोड करना नहीं पड़ता, वो एक्सेसरीज में आ जाती हैं। जैसे MS Paint है, वो अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप विंडोज लिए हो तो वो आपका MS Paint दे देगा, नोट पैड दे देगा, वर्ड पैड ऑलरेडी रहता है, विंडोज मीडिया प्लेयर रहता है उसमें, कैलकुलेटर रहता है, गेम्स रहता है, मैथ इनपुट पैनल रहता है, लैंग्वेज सेटिंग रहती है, तो ये सारी चीज़ें पहले से कुछ हमारे एक्सेसरीज है, जैसे MS Paint, नोट पैड, वर्ड पैड, विंडोज मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, गेम्स, ये आपके मैथ इनपुट पैनल, ये जो आपके टॉपिक हैं इनमें से एक के बारे में ज़रूर आता है। एक्सेसरीज जो है नोट पैड वर्ड पैड ज़्यादा आता है, नोट पैड वर्ड पैड और मैथ इनपुट पैनल ये ज़्यादा आता है आपके, तीन ये वेरी मोस्ट है, इनको टिक, अब बाकी आपके मोस्ट है उनको आपको करते रहना है। ठीक है, लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज कैसे सेट करेंगे, हाउ टू सेट अदर लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर यूजिंग, तो जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें दूसरी लैंग्वेज कैसे सेट करें, हिंदी मराठी उर्दू या फिर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, है ना, कैसे आप कर सकते हैं सेट, तो उसके लिए होता है कंट्रोल पैनल टू ऐड, कंट्रोल पैनल में कैसे ऐड करेंगे, रिमूव या फिर कॉन्फिगरिंग न्यू आप एग्जिस्टिंग डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड फॉन्ट्स, तो अगर हमको और फॉन्ट लगाना है, प्रोग्राम करना है सॉफ्टवेयर, तो कैसे हम पहले से जो है या फिर नई कैसे ऐड कर सकते हैं। इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम हो कर सकते हैं। यूजिंग डिस्क क्लीनअप, जैसे देखिए डिस्क का यूज करके अलग से डिस्क लगा करके क्लीनअप थोड़ा सा कंप्यूटर की समय समय पर जो वायरस आ जाते हैं उनको क्लीन करना, एंटीवायरस डलवाना और ख़राब फाइल फोल्डर को डिलीट करते रहना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कंप्यूटर को परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, स्पीड को यूजिंग डेस्क डेफ्रैगमेंटर, यूजिंग विंडोज ऑफ अपडेट, हमेशा जब विंडोज अपडेट करता आता है तो आपको अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखेंगे, अगेंस्ट एंड वायरस, अगेंस्ट वायरस यानी कि वायरस जब आते हैं कंप्यूटर में तो उसको कैसे सुरक्षा रखना है, वो एंटी वायरस आते हैं, फ्री वाले भी कुछ आते हैं, कुछ प्राइवेट पैसे देकर भी खरीदा जाता है। ठीक है, जिसको डलवाया जाता है 500 से 400 से चालू हो जाता है, 250 300 400 500 600 जितना अच्छा वाला डलवाएंगे, तो हमारे में ऑलरेडी 500 550 वाला शायद डला है, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई कंपनियों को बढ़िया बढ़िया आती हैं तो उनको आप देख सकते हैं। ये हमारा दो पैराग्राफ हो गया, तो ये दो पैराग्राफ जो आपका है ये आपके DCA PGDCA दोनों में सेम है, बस क्या एक्स्ट्रा है PGDCA में, ये वाला जो टॉपिक है, ये तीसरा जो पैराग्राफ फर्स्ट यूनिट में, ये PGDCA वालों के लिए, ठीक है, DCA वालों के लिए इतना ही है। ठीक है, आप सिलेबस हम भेज देंगे आपको, हमारे आप व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा चैनल के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे चैनल लिंक दिया हुआ व्हाट्सअप चैनल का। ठीक है, उसमें जुड़ जाएँ या टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ तो आपको वहाँ पर हम सिलेबस भेज देंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं क्या कम ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग
तो ये वाला जो एक्स्ट्रा है ये पीजीडीसी वालों के लिए, ठीक है, डीसी में नहीं है। इसमें क्या कराया गया है, क्या एक्स्ट्रा है इसमें, तो यूजिंग इंटरनेट इन विंडोज, विंडोज में इंटरनेट कैसे यूज करना है, बेसिक ऑपरेशन यूजिंग इंटरनेट ब्राउजर, बेसिक क्या यूज होता है, कैसे कैसे काम करता है ब्राउजर, वर्किंग विथ ब्राउजर, ब्राउजर कैसे वर्क करते हैं कैसे नहीं, नाउ अबाउट www, कैसे www क्या होता है इसके बारे में, URL क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है इसमें www बहुत ज़रूरी है, URL, सर्च इंजन, ये आपको तीन बहुत वेरी मोस्ट टॉपिक है, इनको आपको ध्यान रखना ही आता है, ठीक है। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया, विकिपीडिया भी आ सकता है, सब्सक्राइबिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे रीड करेंगे, टाइपिंग टेस्ट इन द रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज में कैसे करेंगे ये चीज़ पूछा, यूजिंग गूगल मैप, गूगल मैप का कैसे यूज किया जाता है ये प्रोसेस, वर्किंग विथ गूगल ऐप, गूगल ऐप के साथ कैसे वर्क करना है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, अप्लाई फॉर पैन कार्ड बनवाने के लिए या पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर आधार कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए कैसे होता है, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करते हैं, आप लोग देखते हो कि कैफे में बहुत सारे लोग करते हैं, एंड सर्विस टैक्स ऑनलाइन, सर्विस टैक्स कैसे आप GST वगैरह कैसे पे करते हो, बुकिंग गैस रिफिल ऑनलाइन, गैस ऑनलाइन बुक करना कैसे होता है, डाउनलोडिंग ई बुक्स, आप ई बुक्स कैसे डाउनलोड करते हो, जैसे हमने अभी डाउनलोड करके आपको पढ़ा रहे PDF, हमने ई बुक से ही डाउनलोड किया और आपको हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैसे करना, ये इसमें आपके बहुत सारे मोस्ट हैं, तो जो आपकी वर्किंग भी गूगल ऐप है या टिकट बुकिंग, ये आपके मोस्ट टॉपिक हैं, इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। WWURL सर्च इंजन तो बहुत वेरी मोस्ट है, इधर चले जाएंगे तो आप ये अप्लाई फॉर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है इधर, टिकट बुकिंग है बढ़िया, गूगल ऐप, गूगल मैप ये बढ़िया है, बाकी तो ऑप्शनल है, इतना करेंगे आपका काम हो जाएगा, तो ये PGDC वालों के लिए। चलिए सेकंड यूनिट में चलते हैं, DC वाले PGDC फिर ध्यान देंगे सेकंड में, ठीक है, हम बताएंगे आपको क्या एक्स्ट्रा है उसमें। मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज एंड देयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन सुइट, इसमें आपको कह रहा कि आपको बताना है कि मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज़ कैसे होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है कंप्यूटर के लिए, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन सुइट, ऑफिस की ऑटोमेशन सुइट क्या होती है, जहाँ पे सुइट यानी एक ग्रुप का नाम होता है जिसमें बहुत सारे ऐप यानी एप्लीकेशन इकट्ठे हो रूप से होते हैं जिनको एक साथ ही यूज किया जा सकता है, एक ही साथ, है ना। तो कई सारी चीज़ें सुइट की विशेषता है, एलिमेंट ऑफ ऑफिस सुइट कैसे होता है, ये सुइट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, एरिया ऑफ यूज कितने, उसके यूज कहाँ कहाँ होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डाटाबेस, इंट्रोडक्शन एंड कंपेरिजन ऑफ वेरियस ऑफिस सुइट लाइक अपैच, ओपन ऑफिस, लेब्रे ऑफिस, कैलीग्रा सुइट, WPS ऑफिस, ये WPS ऑफिस आपके आता है ना, के ऑफिस, गूगल डॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अच्छा है, ठीक है, ये आपके आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट भी कभी कभी आया हुआ है, ठीक है, इनको आपको कुछ मेन है टिक लगा लेना है। आगे आते हैं नीचे वाले में, MS Word Basic यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, MS Word, अभी MS Word का एक यूनिट और है, ठीक है, MS Word का दो यूनिट है, एक बेसिक का और एक एडवांस का, चलिए देखते हैं। MS Word बेसिक में क्या है, इंट्रोडक्शन टू MS Office, MS Office का वो भी 2013 वाला, क्या कौन सा, 2013 वाला, इसलिए मैंने अभी अपने कंप्यूटर में 13 ही रखा हुआ है, क्योंकि यही चीज़ हमको पढ़ाना रहता है आप लोगों को, तो उसी से जानकारी लेते रहते हैं। तो 13, इंट्रोडक्शन टू MS Word का इंट्रोडक्शन देना, MS Word का फीचर आ जाता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं यानी कि आ जाता है लिखने के लिए 7-8 पॉइंट में, ठीक है, तो फीचर्स देख दिए हैं, एंड एरिया ऑफ यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, वेरियस वर्जन ऑफ MS Office के कई सारे वर्जन होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, एंड देयर रिक्वायरमेंट, और इसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। वर्किंग विथ MS Word के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है, मेनू और कमांड क्या होते हैं, इनसे टॉपिक बनते हैं, ये मेन है, बढ़िया है क्वेश्चन है, रिबन, टूल बार एंड बटन, ये भी अच्छा है, शॉर्टकट मेनू, विजार्ड एंड टेम्पलेट भी बढ़िया है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको टिक कर रखना है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आता है, न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे,
राइट। डिफरेंट पेज व्यू एंड लेआउट्स, डिफरेंट पेज जैसे अभी हमने फुल पेज पे किया हुआ है, ठीक है, तो कई सारे ऐसे व्यू पेज होते हैं जो कि लेआउट होते हैं, उनको हम देखते हैं, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और आगे दिया लेआउट अप्लाइंग वेरियस टेक्स इन्हेंसमेंट, है ना, फॉन्ट कैसे आपको बड़ा छोटा करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे फॉन्ट है, क्या है फॉन्ट, कैसे जैसे लिखा हुआ है इसकी साइज बड़ा करना, छोटा करना, कलर करना, स्टाइल चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें फॉन्ट के साथ होती हैं, ठीक है। और स्टाइल्स है, टेक्स्ट है, एट्रीब्यूट्स है, टेक्स्ट के साथ कैसे करना है जो टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट, जो हम लिखे हैं टेक्स्ट है, जो टाइप करते हैं उनमें फॉर्मेटिंग मतलब होता है, फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ आती है, एडिटिंग आ जाती है, उसकी साइज को बड़ा करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कलर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है वो फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स, चाहे डॉक्यूमेंट हो चाहे टेक्स्ट हो, ऑटो फॉर्मेट क्या है, पैराग्राफ एंड पेज फॉर्मेटिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, ये मार्जिन वगैरह लाइन स्पेसिंग बहुत मोस्ट चीज़ें हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग ये भी बहुत बढ़िया है, टैब्स एंड इंडेंट, टेक्स्ट एडिटिंग यूजिंग वेरियस फीचर्स, ये भी टेक्स्ट एडिटिंग या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मेटिंग वाला हो गया, एडिटिंग वाला, बुलेट्स, नंबरिंग, वर्किंग विथ स्टाइल्स, प्रिंटिंग एंड वेरियस प्रिंट ऑप्शन, ये वाला एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, ये प्रिंटिंग एंड वेरियस प्रिंट ऑप्शन, प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है हमें प्रिंट करना है कंप्यूटर से, एमएस वर्ड से, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेल चेक, और इधर आपका वर्किंग विथ हेडर एंड फुटर, ये भी हेडर फुटर बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो जो हम आपको बताएं कि ज़्यादा मोस्ट है उनको आपको टिक अंडरलाइन कर लेना, उस पर जरूर ध्यान देना, बाकी पर तो ध्यान देना ही है, प्रिंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बिल्कुल, दो पैराग्राफ हो गए आपके, तीसरे पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टेबल है, देखिए टेबल क्या है, ये टेबल, ये पीजीडीसीए में है, ये डीसीए में शायद ये टेबल शायद जहाँ तक है थोड़ा बहुत है इसी में मिक्स कर दिया गया है, या फिर टेबल नहीं है उनके में, ठीक है। टेबल है तो ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में है, ठीक है, जो यूनिट थर्ड है इसमें टेबल के बारे में डीसीए में पूछा गया है, इसमें ये शायद एक्स्ट्रा है ना, बिल्कुल क्लियर है, एक्स्ट्रा ही है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें टेबल के बारे में क्या है, लेकिन ये थर्ड में पढ़ो या यहाँ पढ़ो एक ही बात है, ठीक है, मोटा मोटी देख लो कि सब सेम ही है, ठीक है। तो टेबल्स क्या है, क्रिएटिंग अ सिंपल टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आप ऑलरेडी अगर प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको पता होगा टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है ना, इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल ड्रा करना या फिर इंसर्ट कर देना, वो दोनों होता है, ठीक है। हाँ, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग द टेबल मेनू, टेबल मेनू का यूज करके कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, इसकी प्रोसेस, एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन टेबल, टेबल के अंदर हम डाटा कैसे एंटर करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, सेलेक्टिंग इन टेबल, टेबल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एडिंग रो, रो को एक्स्ट्रा, मान लीजिए आपने टेबल बना लिया 5 कॉलम 5 रो, अभी बाद में पता चला और बढ़ाना है हमको, तो डिलीट करके थोड़ी ना करेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे वहीं पास, तो ऐड कैसे रो करेंगे, कॉलम कैसे ऐड करेंगे, हाइट कैसे रो की बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, कॉलम की कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, और अलग से इंसर्ट करना है कैसे करेंगे, कॉलम डिलीटिंग, कॉलम चेंजिंग, कॉलम चेंज करना, विड्थ कन्वर्सन यानी कि उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ आपको कम ज़्यादा करना, एंड फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ भी यही चीज़ें, तो ये टेक्स्ट से ये पूरा टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है पीजीडीसीए में, ठीक है, एडीसीए में बनता है, लेकिन वो तीसरी यूनिट में बनता है, ठीक है। चलिए हम इसमें भी दिखाएंगे, पीजीडीसीए में भी तीसरी में है। तो यूनिट थर्ड आता है जो एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड होता है, एडवांस ये आपने बेसिक देखा है आपने एमएस वर्ड का, ठीक है, बिल्कुल एडवांस देख लेते हैं। स्पेल चेक, अभी पीछे भी आपने पीछे भी देखा था उसमें स्पेल चेक था, थीजर्स ये भी एक उसका फीचर होता है, फाइंड एंड रिप्लेस ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसको टिक लगाने से बहुत ज़्यादा आता है, फाइल्स, ऑटो टेक्स्ट सिंबल ईटीसी, वर्किंग विथ कॉलम्स, क्या वर्किंग विथ कॉलम, कॉलम टाइप्स, इंडेंट, मार्जिन एंड स्पेस मैनेजमेंट इन डॉक्यूमेंट, पेज कॉलम एंड सेक्शन ब्रेक, एडिंग रेफरेंस यूजिंग फुट नोट एंड एंड नोट, ये बहुत जरूरी है, फुट नोट एंड एंड नोट आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको टिक कर लेना ही आता है। इन डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कॉन्टेंट, ऑटोमेटिक कैसे टेबल क्रिएट हो जाएगा ये तो कम आता है ना, यूजिंग थीम्स ये आता है, वाटर मार्क वगैरह आता है आपसे पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर मार्क, इंसर्टिंग इक्वेशन एंड सिंबल, ये इससे टॉपिक ये जो नीचे दिया है इससे रिलेटेड आपसे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पेपर में, ठीक है। अगला आता है ग्राफिक्स, क्या है ग्राफिक्स दिया गया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है ग्राफिक्स,
इम्पोर्टिंग ग्राफिक, ग्राफिक मतलब होता है आपका पाई चार्ट वगैरह बनाना, क्या पाई चार्ट वगैरह बनाना, और कई सारे ऑटोमेशन यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं जो डिजाइन में बढ़िया टेक्स्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो वो ग्राफिक्स कहलाता है, जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो क्लिप पार्ट है, क्लिप पार्ट है जो कि इंसर्ट मेनू, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर को कैसे लाना और अच्छा है बनाना है। यूजिंग क्लिप आर्ट, एक क्लिप आर्ट होता है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बनाई रखी होती हैं जहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, शेप अगर आपको सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ट्रायंगल, तो शेप वहाँ पे होते हैं, कुछ बने बनाए होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। बाकी अगर अलग से करना है तो बनाकर ड्राइंग से ऑलरेडी कर सकते हैं, फिर अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ड्राइंग फीचर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इन ड्राइंग, ड्राइंग टॉकिंग एंड इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लिया जाता है, कैसे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है, वो सब उसी के अंदर होता है, इंसर्ट मेनू में होता है ये, ठीक है। ज़्यादातर ये इंसर्ट मेनू की बात कर रहा है, ठीक है, ये पूरा इंसर्ट मेनू पे बेस्ड है ये पूरा टॉपिक है ये पैराग्राफ। हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप फीचर्स इन डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट टाइप्स, यूजिंग टेम्पलेट्स, एक्सप्लोरिंग टेम्पलेट्स, मॉडिफाइंग टेम्पलेट्स, ठीक है, मॉडिफाइंग टेम्पलेट्स होते हैं, तो कई सारे आपके होते हैं, तो इसमें आपके कुछ मेन हैं तो उनको मेन मेन आप जरूर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, मेल मर्ज जो है, क्या है मेल मर्ज देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है कि डीसीए पीजी डीसीए दोनों समझेंगे, बस जहाँ पे आप सिलेबस अपना सामने रखिएगा वो अपना सामने, जहाँ पे एक्स्ट्रा है वहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बस एक्स्ट्रा कब होता है, यूनिट के लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है वही, किसी किसी यूनिट में एक्स्ट्रा है, किसी किसी यूनिट में एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे मेल मर्ज है, ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है जो कि एमएस वर्ड का, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं आप काम करने, एमएस वर्ड के बेसिस पे अगर आपको जॉब में रखा गया है, हायर किया गया है, तो आपसे मेल मर्ज बहुत ज़रूरी है। मेल मर्ज का अपना एक अलग फीचर है और बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है अक्सर कंपनियों में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपको सीख के जाना है, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में मेल मर्ज कैसे होता है, मेल मर्ज कॉन्सेप्ट, मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, है ना, envelopes and mailing labels, importing and exporting to and from various format, ये उसी के ऑप्शन होते हैं सब मेल मर्ज के, ठीक है, जितने हैं यहाँ पे। माइक्रो एंड एमएस वर्ड, माइक्रो इंडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड देयर यूज, रिकॉर्डिंग माइक्रोज, एडिटिंग माइक्रोज, रनिंग एंड माइक्रो, ठीक है, ये सारे उसी के ऑप्शन है ये, जब आप मेल मर्ज ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें सारे टॉपिक ये ऑलरेडी दिखे होंगे, ये सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं, तो पूरा मेल मर्ज के बारे में है ये, ठीक है। तो मेल जब आप अगर आप कहेंगे अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इस पे वीडियो अलग से बना देंगे, मेल मर्ज को हम बनाकर खुद स्क्रीन शेयर करके हम आपको समझा देंगे, तो ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको करना है। चलिए यूनिट फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, यूनिट फोर्थ देख लेते हैं, ठीक। MS Excel आ जाता है, देखिए अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़े थे, छोटी छोटी चीज़ें विंडोज़ के बारे में, और इधर आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देख रहे थे हम लोग। अब दूसरे यूनिट में हमने क्या देखा, बेसिक MS Word देखा, तीसरे में हमने एडवांस MS Word देखा, अब चौथी यूनिट में Excel देखेंगे, पाँचवीं में पावर पॉइंट, ठीक है। ये पूरा Excel के बारे में तीन टॉप पैराग्राफ दिया गया है, MS Excel स्प्रेडशीट बेसिक एंड फीचर, बेसिक और फीचर क्या होता है जो अक्सर पूछा जाता है, फीचर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट, वर्कबुक और वर्कशीट का कॉन्सेप्ट क्या है, गेटिंग स्टार्टेड कैसे स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट, वर्कशीट नई कैसे बनाते हैं, यूजिंग विजार्ड, विजार्ड का यूज करके जो बने बनाए पहले से, तो वेरियस डाटा टाइप्स, कितने टाइप हम कितने तरह से डाटा को इंटर कर सकते हैं, कितने तरीके से डाटा होते हैं, सेलेक्टिंग सेल, सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे इंटर करेंगे और कैसे एडिट करेंगे, एंटरिंग एंड एडिटिंग नंबर्स, नंबर को कैसे एडिट करेंगे और एडिट करेंगे, रिमूविंग एंड रिसाइजिंग, रिमूव कैसे हटाएंगे या फिर उसकी साइज को रिसाइज कैसे करेंगे, ठीक है, ऑफ कॉलम्स एंड रो को छोटा बड़ा कैसे करना है, एंटरिंग एंड एडिटिंग फार्मूलास, जब हम फार्मूला एक्सेल में करते हैं तो उसको कैसे इंटर करेंगे और कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। डाटा हो गया, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, और आपका क्या हो गया भाई, एक फार्मूला हो गया, ठीक है, तीन चीज़ें इंटर की जाती हैं। रेफरेंसिंग सेल्स, मूविंग सेल्स, सेल को कैसे हटाना है, मूव करना है, इधर से उधर कैसे करना है, ठीक है।
कॉपिंग सेल कॉपी कैसे करना है सेल को, सॉर्टिंग सेल डाटा डाटा को सॉर्ट कैसे करना है, इंसर्टिंग रोज रो को कैसे बीच में अचानक से हमें एक रो की जरूरत और पड़ गई तो हम इंसर्ट कैसे, इंसर्टिंग कॉलम कॉलम की जरूरत पड़ी तो कॉलम को, ठीक है, इंसर्टिंग सेल सेल की जरूरत पड़ी तो सेल, डिलीटिंग पार्ट ऑफ अ वर्कशीट वर्कशीट के पार्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्लियरिंग पार्ट ऑफ द वर्कशीट वर्कशीट के पार्ट को पूरी तरह से क्लियर कैसे करेंगे, नहीं क्लीन, डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट वर्कशीट की डिफरेंट व्यू क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरीके से उसको हम दिखा सकते हैं आपके साथ, ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं वो आप देखेंगे। चलिए खैर ये तो आपका पहला है, तो इसमें हमने कुछ बताया आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, ये आपके मेन मेन टॉपिक है यहाँ पे, जैसे रो को कैसे इंसर्ट करना, टेक्स्ट को एडिट करना, इंटर करना, नंबर को और फार्मूला को, ये कई सारे टॉपिक आपके यहाँ पे जो हैं वो आपके मेन मेन है, ठीक है, उनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फॉर्मेटिंग पेज सेटअप, पेज सेटअप कैसे करेंगे आप, ठीक है, एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग, सेल को कैसे बढ़िया बड़े कलरफुल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, चेंजिंग कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ यानी कि चौड़ाई लंबाई कैसे चेंज करेंगे, एंड रो हाइट, रो की हाइट कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, वो टेक्स्ट को समझ कर ही अपने आप छोटा बड़ा हो जाए कॉलम रो, चेंजिंग फॉन्ट साइज को बढ़ना, इंक्रीज करना या डिक्रीज छोटा बड़ा करना, एंड एट्रीब्यूट्स सेंटरिंग टेक्स्ट अक्रॉस कॉलम, कॉलम को क्रॉस ना करें, उसको कैसे सेंटर में रखेंगे हम, या फिर एक ही कॉलम में रखना है, भी कॉलम से बाहर करना है ना, तो कैसे करेंगे, यूजिंग बॉर्डर, बॉर्डर कैसे लगाएंगे, बॉटम्स एंड कमांड्स, कमांड्स कैसे, चेंजिंग कलर्स, कलर शेडिंग, शेडिंग पीछे टेक्स्ट के, हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स, वर्किंग विद डाटा एंड रेंजेस, है ना, कॉलम फ्रीजिंग, कॉलम को फ्रीज कैसे करेंगे ताकि डिलीट उलीट ना हो, हटे ना, नष्ट ना हो, इधर उधर ना भागे, हाइडिंग हेड मतलब हाइड कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मर्जिंग ईटीसी, मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज बहुत ज़रूरी होता है सेल को, कभी कभी क्या होता है हमारा डाटा एक सेल से कई सेल के क्रॉस कर जाता है तो उसको हमको मर्ज करना पड़ता है, कई सारे सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दो तो टेक्स्ट आपको पूरे सेल को एक सेल बन जाएगा बड़ा सा और उसमें शो करेगा, ठीक है, बिल्कुल दो चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है चार्ट, चार्ट बहुत ज़रूरी है रिप्रेजेंट करने की, जैसे आप पढ़े होंगे टेंथ ट्वेल्थ में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कई सारे डाटा को क्या किया जाता है प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, कैसे आपको प्रेजेंट किया जाता है भाई उसमें ग्राफ के माध्यम से, है ना, कॉलम के माध्यम से कई सारे उसको प्रेजेंट किया जाता है, राइट, तो उसी तरह ये ग्राफ होता है चार्ट्स, चार्ट पार्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, चार्ट विजार्ड पहले से बना बनाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटिंग चार्ट्स, चार्ट को प्रिंट कैसे करेंगे, डिलीटिंग चार्ट डिलीट कैसे करेंगे, लिंकिंग एंड स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के साथ लिंक कैसे करेंगे, प्रिंटिंग ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट विथ वेरियस ऑप्शन, ये भी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या, चार्ट डिलीटिंग, चार्ट इंसर्टिंग, चार्ट कैसे कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट तो कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो इसमें आपकी मेन टॉपिक है ये, चार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है ध्यान रखना, हाँ ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग, खैर पांचवी यूनिट में आते हैं जो कि आपका लास्ट है, ये एमएस पावर पॉइंट के बारे में होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ यूज, ये सब में होता है, एरिया ऑफ यूज एंड फीचर, बेसिक एंड फीचर, ठीक है, विशेषताएं तो और किस किस क्षेत्र में यूज होता है ये आपके हर टॉपिक में होता है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कतई, ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम, ठीक, तो आगे दिया वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के साथ कैसे वर्क करना है, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे कहेंगे तो हम आपको प्रेजेंटेशन बनाकर किसी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे लाइव कहेंगे या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको स्क्रीनशॉट कंप्यूटर का स्क्रीन ही पूरा रिकॉर्ड करके हम आपको दे देंगे, सिखा देंगे कुल मिला के मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है, वर्किंग विद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे वर्क करना है क्योंकि हमको डेली बनाना होता है, अभी आपने सबसे शुरू में आपने जो देखा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटो लगाया है, नाम लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो क्या है वो थंबनेल, वो हम लोग खुद ही पावर पॉइंट में ही बनाते हैं, तो वही तो प्रेजेंटेशन हुआ, वही तो बनाना हुआ, तो उसी में हम लोग बनाते हैं, उसी से आप लोगों को समझाया जाता है, उसमें बढ़िया रहता है चीज़ें, ठीक है, आगे चीज़ें क्या हैं, वर्किंग विद प्रेजेंटेशन यूजिंग विजार्ड, जो पहले से बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, स्लाइड एंड इट्स डिफरेंस व्यूज, और इंसर्टिंग डिलीटिंग एंड कॉपिंग ऑफ स्लाइड, स्लाइड को कैसे डिलीट, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में आपका पेज होता है और एक्सेल में आपके सेल होते हैं,
या फिर वर्कबुक वर्कशीट कह लीजिए, वैसे एमएस पावर पॉइंट में आपका क्या होता है, स्लाइड होते हैं, क्या होते हैं, पेज को क्या बोला जाता है, स्लाइड, राइट, वर्किंग विथ नोट्स, नोट्स वहाँ पे स्लाइड में पीछे नीचे साइड नोट का एरिया होता है, वहाँ पे कैसे टाइप करेंगे, ठीक है, हैंड आउट्स एंड कॉलम्स एंड लिस्ट, एडिटिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स लगाना उसमें, ग्राफ वगैरह, टेबल वगैरह, शेप्स, स्क्रीन शॉट्स, कैसे स्क्रीन शॉट हम लगाते हैं काफ़ी बार, पहले ही जो आपको पहला ही हमने दिखाया है आपका शुरुआत में ही, तो उसमें लगा हुआ था यहाँ पे स्क्रीन शॉट इसी सिलेबस का, ठीक है, वो स्क्रीन शॉट ही है। स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, चार्ट यहाँ भी है प्रेजेंटेशन के लिए। साउंड एंड मूवी कैसे लगाएंगे, गाने वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, मूवी कैसे, चलचित्र लगा सकते हैं, पावर पॉइंट में ये सुविधा होती है, चलता है। टू, स्लाइड, वर्किंग विथ पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ डिजाइनिंग एंड प्रेजेंटेशन, आप स्लाइड्स शो, स्लाइड शो को कैसे आप, आपको जैसे प्रेजेंटेशन देना है तो आप कैसे डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज करना, चेंज स्लाइड साइज, साइज की स्लाइड की साइज चेंज करना, यूजिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, ये बहुत मेन टॉपिक है, एनिमेशन ट्रांजिशन, इन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एडवांस स्लाइड ऑप्शन जैसे मैनुअल है, ऑटोमेटिक, प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन, नोट्स, ये नोट्स, हैंड, ये हैंड आउट प्रिंट ऑप्शन एंड स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर, ये आपके बहुत मेन टॉपिक है, इन पे जरूर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये फीचर पे और कह सकते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, वर्किंग विथ प्रेजेंटेशन या न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कई कई बार तो टिप्पणी आ जाती है, दो चार टॉपिक उठा लेंगे मेन मेन और उसमें आपको टिप, जैसे पहले टिप्पणी दे देंगे, चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, चेंज स्लाइड साइज, ठीक है, ये दे दिया, नोट्स मास्टर दे दिया, हैंड आउट मास्टर, ऐसे टॉपिक बना देता है। हम आपको, आप देखेंगे हमारे ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पर, वीडियो आप देखेंगे इसका, तो मैंने प्लेलिस्ट में यहाँ बना दिया है, उसमें देखेंगे डीसी पीजी में, तो उसमें पुराने पेपर डले हुए 2023 के, 22 के, 21 के, आपके डले हुए हर सब्जेक्ट के डले हैं, तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस, ये पीजीडीसी में एक्स्ट्रा है, डीसी में एक्स्ट्रा नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल, जब भी एक्स्ट्रा होगा तो लास्ट वाला पैराग्राफ ही एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, बाकी नहीं। फीचर एंड यूजेस, ये भी आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है एमएस विंडोज का, जो विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी ये बढ़िया खास क्वालिटी एक एप्लीकेशन होता है जो कि इसका यूज बढ़िया होता है। फीचर एंड यूजेस, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग आउटलुक एक्सप्रेस फॉर एक्सेस रेज एंड ईमेल एंड ऑफिस, ऑफिस में कैसे ईमेल भेजना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, ऐड ईमेल अकाउंट टू आउटलुक, आउटलुक में कैसे ईमेल अकाउंट ऐड करेंगे, क्रिएट ईमेल्स, ईमेल कैसे बनाएंगे, सेंड एंड रिसीव, सेंड भेजेंगे कैसे और रिसीव कैसे करेंगे, ईमेल इन आउटलुक, ईमेल आउटलुक में, ठीक है। तो ये आउटलुक एक्सप्रेस एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसका यूज बहुत बाखूबी कंपनियों में होता है, ठीक है। तो हमने आपको आपके सिलेबस को समझाने का प्रयास किया है, जहाँ तक आपको एक बार अगर आप इसको ध्यान से लास्ट तक अगर आपने सुन लिया है तो आई होप कि आपको सारा डाउट खत्म हो गया। फिर भी डाउट है तो आप बताइए, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और मोस्ट है, तो उसमें हम आपको अलग से वीडियो प्रैक्टिकली यहाँ पर करके आपको हम बना के दे देंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो हमारे इसी कमेंट बॉक्स में या चैनल पे, आप व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पे आप जुड़कर भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अन्यथा हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड धन्यवाद।